दोहाना में हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कुलदीप बिश्नोई की यहां पड़ी आईटी रेड पर कहा कि रेड के विरोध में हुए प्रदर्शन में कोई कांग्रेसी नेता नहीं था, प्रदर्शन में सिर्फ बिश्नोई के ही समर्थक थे। और हरियाणा में भी लगभग 5 साल से मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, एक भी ऐसा मौका नहीं कोई बता सकता पूरे देश में, हरियाणा प्रदेश में, कि किसी के खिलाफ कोई बदले की भावना से कार्रवाई हुई। बराला चुनाव के मद्देनजर प्रदेश के कई जिलों में कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग कर चुनाव की तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सूबे के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि अगर वो अपनी पार्टी समाज हित में बनाते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर निजी हित में बनाते हैं तो सरासर गलत है। अगर कोई पार्टी अलग बनाता है प्रदेश हित के लिए कोई बनाए तो बड़ी अच्छी बात है, स्वागत योग्य बात है, लेकिन कोई निज हित के लिए इस प्रकार का कोई कदम उठाता है, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए करता है, तो इस बात का कोई अर्थ होता नहीं है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने में कुछ ही दिन बचे हैं, लेकिन सूबे की राजनीति तेज है। बीजेपी जहां दोबारा सत्ता पर काबिज होना चाहती है, वहीं विपक्षी पार्टियां किसी कीमत पर दोबारा बीजेपी को सत्ता में आने से रोकना चाहती हैं। R9 TV टोहाना से नवल सिंह की रिपोर्ट।